दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज मैं आपको नरसिंह भगवान की बड़ी पावन मन भावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में ये कथा है आस्था की, श्रद्धा की, परम विश्वास की। कालांतर में राजा कश्यप के दो पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा था, सो राजा वही था। वो अत्यंत दुराचारी, अत्याचारी था, क्रूर था, प्रजा को कष्ट देने वाला था। भगवान वाराह द्वारा जब उसका अंत हुआ, तो आइए इस कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री विष्णु भगवान को पहले शीश नवाता हूँ, मैं शीश नवाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। अभिमानी हिरण्यकश्यप का अंत दिखाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला वाराह भगवान से लेना चाहता था, परंतु वो जानता था मेरी पराजय निश्चित है। इसलिए वो ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और उनसे मुंह मांगा वरदान प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी की करके तपस्या पाता है वरदान, एवं तथास्तु कह देते हैं ब्रह्मदेव भगवान। ब्रह्मदेव भगवान, क्या वर मांगा था ब्रह्मा से तुम्हें बताता हूँ। मैं उसके हर एक शब्द का सार सुनाता हूँ, शब्द का सार सुनाता हूँ। घर के बाहर मैं न मरूं, मैं ना घर के अंदर, मौत न हो आकाश में मेरी, मरू न धरती पर। मैं मरू न धरती पर, मरू न जल में, मरू न थल में, मरू न मानव से, अस्त्र शस्त्र से मृत्यु ना हो, ना नर दानव से, ना नर दानव से। और क्या आगे वो कहता है वो सुनवाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही पक्षी से मरूं, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना धरती पे, ना आसमान में, ना घर में, ना ही घर के बाहर। हे ब्रह्मदेव, मुझको ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए एव मस्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से मिला जिस घड़ी मुँह मांगा वरदान, उसके मन के अंदर भक्तों जाग उठा शैतान, जाग उठा शैतान। मृत्यु का भय रहा न उसको, होने लगा गुमान, हिरण्यकश्यप के सिर पर चढ़ बैठा अभिमान, चढ़ बैठा अभिमान। लोक में कोई नहीं है मुझसे बड़ा भगवान, वर मिलते ही वो राजा से बन बैठा नादान, बन बैठा नादान। मूर्ख
और अहंकारी की यही तो है पहचान। स्वयं से ज्यादा नहीं समझता किसी को भी बलवान, किसी को भी बलवान। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय श्री विष्णु भगवान, जय 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 कृपा निधान। जय श्री हरि दयावान, जय 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 कृपा निधान। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप अभिमानी हो जाता है और वो अपने आप को अजर अमर समझने लगता है। समस्त राज्य में अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। प्रजा के ऊपर घोर अत्याचार करने लगता है, लोगों से अपनी पूजा करवाता है। किसी भी देवी देवता या भगवान का नाम अगर किसी के मुंह से सुन लेता था तो उसे मृत्यु दंड दे देता था। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम हाहाकार मच जाता है। हिरण्यकश्यप स्वयं को घोषित करता है भगवान। हो गया था हिरण्यकश्यप को बहुत बड़ा अभिमान, बहुत बड़ा अभिमान। लीला देखो नारायण की अब क्या होता है। भक्तों उसके घर में जन्म एक पुत्र का होता है, एक पुत्र का होता है। नाम रखा प्रहलाद पुत्र का, बजे नगाड़े ढोल। राजा ने प्रजा की खातिर दिया खजाना खोल, दिया खजाना खोल। थोड़ा बड़ा हुआ जब बेटा हुई अनोखी बात, श्री विष्णु श्री नारायण का जपे नाम दिन रात, जपे नाम दिन रात। बड़ी विलक्षण कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय श्री विष्णु भगवान, जय 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 कृपा निधान। जय श्री हरि दयावान, जय 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 कृपा निधान। उसी राज्य में एक कुम्हार रहता था जो कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाता है। एक मटके के अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए थे, गलती से वो मटका भी आवे में लग जाता है। आवा में आग लग चुकी थी। जब कुम्हार को पता चला कि बिल्ली के बच्चे आवे के अंदर हैं, तो उनकी रक्षा के लिए कुम्हार मन ही मन में श्री हरि का ध्यान करता है। प्रहलाद भी वहीं था, उसने भी बच्चों के लिए श्री विष्णु जी से प्रार्थना की थी। बिल्ली के बच्चे जिंदा बच जाते हैं। करने लगा श्री हरि की भक्ति वो बालक प्रहलाद, श्री विष्णु श्री नारायण वो जपने लगा दिन रात, जपने लगा दिन रात। हिरण्यकश्यप ने ये सुना तो किया क्रोध भारी, बुला के बेटे को बोला तेरी मति गई मारी, तेरी मति गई मारी। मैं ही हूँ तेरा पिता और हूँ मैं ही तेरा भगवान, तू विष्णु का नाम जपे क्यों मूरख नादान, ओ मूरख नादान। मेरी पूजा मेरी अर्चना कर तू मेरा ही ध्यान, इसी में तेरा भला है बालक, इसी में है कल्याण, इसी में है कल्याण। पुत्र
क्या बोला पिता से अपने वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय श्री विष्णु भगवान, जय 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 कृपा निधान, जय श्री हरि दयावान, जय 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 कृपा निधान। प्रह्लाद ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी आप मेरे जन्मदाता अवश्य हैं, परंतु भाग्य विधाता तो श्री हरि विष्णु भगवान ही हैं। आप मेरे पिता हैं महाराज, परंतु भगवान नहीं हैं। आप मेरे हृदय से श्री विष्णु जी की भक्ति को नहीं मिटा सकते। सुन के बात पुत्र की अपने क्रोध से हो गया लाल, म्यान से उसने तुरंत ही अपनी ली तलवार निकाल, ली तलवार निकाल। अगर न मानी बात हमारी बचे न तेरी जान, हाथ जोड़ घुटनों पे बैठ के बोल मुझे भगवान, बोल मुझे भगवान। बोला पुत्र पिता से अपने श्री हरि हैं भगवान, जैसे सब है वैसे आप भी पिताजी हैं इंसान, आप भी पिताजी हैं इंसान। हम नर हैं वो है नारायण, वो है शक्तिमान, आपके मन में बैठ गया है हे राजन अज्ञान, हे राजन अज्ञान। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय श्री विष्णु भगवान, जय 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 कृपा निधान, जय श्री हरि दयावान, जय 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 कृपा निधान। हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को मारने के लिए एक खंभे से बंधवा देता है और कहता है कि आज देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है, या तो हमको भगवान मान ले या फिर अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जा। प्रह्लाद कहता है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे श्री विष्णु जी पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है प्रह्लाद के ऊपर, जैसे ही तलवार तानता है मारने के लिए। हुई भयंकर सिंह गर्जना खंभे के अंदर, फाड़ खंभ नर सिंह रूप में निकले हरि बाहर, निकले हरि बाहर। आधा तन है नर के रूप में आधा सिंह स्वरूप, जो आधी छाया हो शीतल आधी तपती धूप, आधी तपती धूप। उठा लिया हिरण्यकश्यप को लाए बीच दहलीज, पटक लिया जांघों के ऊपर उसकी गर्दन खींच, उसकी गर्दन खींच। गोधूली की बेला थी वो ना दिन था ना रात, ना घर में ना घर के बाहर, ना ही धरा आकाश, ना ही धरा आकाश। हाथ जोड़ के खड़ा भक्त प्रह्लाद दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय श्री विष्णु भगवान,
श्री विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में खम्भ को फाड़ के प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पे लिटाकर बोलते हैं, सुन अहंकारी दुष्ट, अपने वरदान को याद कर। ना दिन है ना रात है, ना धरती पे है, ना ही तू आकाश में है, ना ही घर के अंदर है, ना ही घर के बाहर है। अपने तेज नाखूनों को दिखा के बोले, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर अपने तेज नाखूनों से उसकी छाती फाड़ देते हैं। अंत हो गया अहंकार का, भक्ति जीत गई, हार गया अभिमान, देखिए शक्ति जीत गई, शक्ति जीत गई। परम भक्त प्रहलाद को अपने दे करके आशीष, अपने स्वयं के रूप में आकर चले गए जगदीश, चले गए जगदीश। हुआ राज खुशहाल वो सारा, हो रही जय जयकार, जय जय हो प्रहलाद तुम्हारी, जय हो राजकुमार, जय हो राजकुमार। जय 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 श्री नारायण की, जय जय श्री हरि, प्रेम से बोलो सारे मिलके, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि। हाथ जोड़ सुखदेव हरि को शीश नवाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ, श्री नरसिंह जयंती की मैं कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय श्री विष्णु भगवान, जय 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 कृपानिधान, जय श्री हरि दयावान, जय 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 कृपानिधान। सिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। सिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। सिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया, तन्नो नरसिंह प्रचोदया। वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया, तन्नो नरसिंह प्रचोदया।
नक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे
वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया तन्नो नरसिंह प्रचोदया वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया तन्नो नरसिंह प्रचोदया वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया तन्नो नरसिंह प्रचोदया वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया तन्नो नरसिंह प्रचोदया वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया तन्नो नरसिंह प्रचोदया
विघ्नहाय विद्महे वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् 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 वज्रनक्षाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्
दिल